और हम अभी 5 मिनट का रास्ता बोलने के लिए 5 मिनट बेसिकली कितने 15-20 मिनट इससे ज्यादा मिनट हो गया। अब यहाँ गूगल में अपने इतना घुमाया दिमाग खराब कर दिया, उसके बाद हम पहुंचे वहां से। पहली बार आ रहा है छोटा सिटी सेंटर, पता नहीं दिल्ली में कितने साल से, गुड़गांव में कितने सालों से रह रहा है। ये हम पहुंच गए डिकैथलन, हमें कुछ प्रोडक्ट्स लेने थे, आप लोगों को दिखाता हूँ प्रोडक्ट्स वर्क्स कैसे है। फोन का है तेरा फोन कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा। देखा क्या लिया मैंने, एक लिया है टील कलर लिया त्यागी के लिए, और ये ब्लैक में ये हल्का सा नेवी ब्लू कलर, ये वाला मेरे लिए, और ये अपना विशाल भाई स्पाइडरमैन। क्या शॉपिंग करेगा स्पाइडरमैन, क्या स्पाइडरमैन क्या हमारे स्पाइडरमैन को क्या लेने को पूछ लेते, स्पाइडरमैन बता ना क्या लेना है सर। जूता लेना तो यहाँ बच्चों का जूता लेगा, मैं भी तो बच्चा हूँ। तू बच्चा है तो क्या साइज देख के ले, ये देख क्या लेना, देख तू देखते कुछ लेना। आप लोगों को दिखाता हूँ, ये डी कैथलन में हम आए, ये बेसिकली लेडीज वाला सेक्शन है। एक गुरु जी को लेना है टी शर्ट, अब क्या हो गया, अबे लड़के वाला है, देख रहा विशाल भाई को सिर्फ लड़की वाला चीज पसंद है, लड़की वाला जूता, लड़की वाला सॉक्स। क्या हो रहा है तेरे को, अंदर कुछ फीलिंग है ना क्या? अरे यार मैंने कुछ इधर चलते हैं वो देख लेते हैं सर, थोड़ा नहीं या तो साइकिलिंग वाला प्रोडक्ट है, इधर टेंट वाला ही लेते हैं। विशाल बस स्पोर्ट्स पहन लिया तो स्पोर्टिंग नहीं मिलेगा है। तो यहाँ पहुँच गए, हमें लेना था टेंट्स, क्योंकि सितंबर के मंथ में हम जा रहे हैं कैंपिंग के लिए। तो आप लोगों को रेट्स दिखाता हूँ गाइस, चेक करो, ये देखिए, ये फूडिंग के लिए, ये बैठने के लिए है, और ये है अपना टेंट जिसके अंदर आप उसको लगा के सो सकते हो। लाइक पूरा सेट अगर आप लेते हो ना तो आपको यही कुछ लाइक 5,500 से 6,000 के बीच का पड़ेगा। ये देखिए सिंगल वाला है, और हमें जो 3% वाला मिल रहा था वो थोड़ा चीप मिल रहा है ऑनलाइन पर। सो देख सकते हैं सारा प्रोडक्ट्स है कैंपिंग के लिए, ये सारे कैंपिंग जोन है। सो अभी हम यहाँ से कुछ कुछ चीज़ खरीदेंगे अपने कैंपिंग के लिए, अपने आने वाले ट्रिप के लिए। तो विशाल बहुत गंदा लग रहा है, बताइए सेक्सी लग रहा है यार, बहुत गंदा। अबे ये हीरो वाला नहीं है, ये ट्रैकिंग वाला का सनग्लास ऐसे ही होता है। तो ये कर लिया हमने शॉपिंग, विशाल भाई ने लिया शूज डिकैथलन से, मैं आपको रूम में जाकर दिखाता हूँ। और मैंने लिया है बैग, विशाल ने भी लिया सेम बैग, मैंने लिया व्लॉगिंग के लिए, विशाल ने लिया स्टाइल के लिए, हमारे रूम का सस्ताकरण कुंद्रा वो भी लिया है बैग किसके लिए, वो भी स्टाइल के लिए लिया है ऐसे, कुछ खाना वाना तो लेता है नहीं इस ऑफिस में, टिफिन लेके जाता हूँ मैं, खाते हैं लो, और मैं दूसरों का टिफिन खाता हूँ, मेरा काम यही है। और ये हम निकल चुके हैं उड़ा सिटी सेंटर के बाहर, जहाँ लगे हुए हैं खानों के स्टॉल्स, वहाँ अपना धन्नो दूर में खड़ा है, देखो दूर से दिख रहा होगा अपना धन्नो ना, चलो मैंने तू खा ले तेरे खाना होगा, अभी मैं खाया हूँ ना चाउमीन, अपना चाउमीन वाला, ये अपना धन्नो, धन्नो से अभी हम जाएंगे, भूख लग रही है भाई, हम लोग जा रहे हैं अब घर, और मेरे को खाना कुछ खाने का, बट ये खाने नहीं दिया मेरे को, बोलता है कि मैं खा गया, अकेले अकेले खाता है और मेरे को मारता है।
बाद में तीन रुपए कितने का है? ओ, मसाला मार के दे दे एकदम। तो पकड़ इसका हेलमेट। ये हम पहुंचे हैं अभी, क्या बाल चल रहा हूँ दूसरे ब्लॉगर की तरह, बाल ही तो नहीं है मेरे पास। हाँ। निकालो निकालो भाई साहब, भैया जी निकालो हेलमेट पहनने वाला भैया जी। ऐसा क्यों बुट्टा सब आधा दाद गायब है आधा है। देख ले, लेकिन भाई अपना खुद बाँचेगा तू है? सोच ले, तेरे को तो आइडिया है। ये सिखाएगा कि भुट्टे को कैसे छू के पता चल सकता है। इसे पहले मैं कर रहा नहीं नहीं नहीं, चलो चैलेंज 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 करते हैं अभी कि ये भाई साहब अभी भुट्टे को छू के बताएंगे, बिहार के बंदे हैं, ये छू के बताएंगे कि बिहार में कैसे पता चलता है कि भुट्टे के अंदर मसला है कि नहीं, मतलब माल है कि नहीं अंदर का। ये वाला है भाई, छिलियो छिलियो इसको देखो। अब भाई अपना छिल के दिखाएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये है आगे है सेक्टर 18, सॉरी सेक्टर 17, उसके आगे है सेक्टर 18। सेक्टर 17 ए से निकलोगे तो यहाँ पे आपको ब्लीस प्रीमियम प्रीमियर दिखेगा। और ये खाना भाई, क्या महिला देख रहा, देख रहा होगा जी, क्या साला मेरे लिए निकालियो। अच्छा देख के माल नहीं निकला ना, अगर दोगला में किया ना फाड़ देंगे यहीं पे पटना में से। साल 10 रुपए और कहाँ से देगा ये बता। 10 रुपए हो जाएगा तू दे तो, अभी इसका तो होगा साले, चार चार खाएगा क्या? ये 20 तो 40 ना, पेमेंट लेगा ना भाई। देख रहा है ये देखे डिजिटल इंडिया, ये देखो गाइस, ये अपना छोटू छोटू यहाँ पे कितने बजे से दुकान लगा था छोटू? थोड़ा लाइट में आ जा, मेरे को ये बता तू कितने बजे से दुकान लगा था? 3 बजे दोपहर से, दोपहर 3 बजे से ना। और रात को कितने बजे तक रहता है? रात 8:30 बजे, यानी कि अभी थोड़ी देर बाद इनका दुकान बंद होने ही वाला है। तो आप अगर अगर आप आते हो ना, यहाँ पे बहुत सारे भुट्टो के शॉप्स लगे हुए हैं, तो मैं लाइक यहाँ पे मेरे को फर्स्ट दुकान यही दिखा तो मैं यहाँ रुका। ये छोटू और इनकी मम्मी, आप दोनों यही, ये दोनों यहाँ पे रहते हैं। ये देखिए सेक्टर 17 का मार्केट, और 17 का मार्केट से स्ट्रेट निकलेंगे ना आप, स्ट्रेट जहाँ मतलब कौन सा मंदिर है वो आगे मंदिर है। अरे नहीं, शिव मंदिर है वहाँ, शिव मंदिर है। मदर डेयरी वाले रास्ते से स्ट्रेट निकलेंगे, तो वहाँ से निकलेंगे आप ये चौराहे पे, फिर यहाँ से स्ट्रेट यहाँ पे। क्या ब्लॉगर बनेगा तू? ये छोटू का बर्थडे है 8 तारीख को, आज नहीं है साले, विश करने आता है। 8 तारीख को बर्थडे है स्पाइडरमैन, आना है कि नहीं 8 तारीख को? हाँ भाई आ जाएंगे, पूरी सब्जी खा के जाएंगे। भुट्टा तो खिला ही देगा, घर पे जाओगे टाइम लगेगा, यहाँ पर रहेगा फ्री में मिल जाएगा। नहीं हम फ्री में नहीं खाएंगे, हम आएंगे केक मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे एकदम मस्त छोटू के साथ। 6:30 से 7 बजे जाएंगे हम। अब एक मजेदार चीज दिखाता हूँ, ये मेरा पर्स, और आज ही सैलरी आई है, ये देखो 30 रुपए। और छोटू भुट्टे का कितना हुआ? 100 चला, डिस्काउंट लगा रहा है कि ब्रेड बना रहा है। अभी 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 अपना स्पाइडरमैन देगा खर्चा, आप दिखाता हूँ कैसे खर्चा, कैसे दोस्तों से आप लोग को एक ट्रिक सिखाता हूँ कि दोस्तों से खर्चा कैसे। चल इधर आ, कितना सैलरी है? कितना लाख रुपया है? सैलरी नहीं पूछा करते, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, स्पाइडरमैन खिलाएगा सबको, भुट्टा खिलाएगा। भैया भुट्टा खाना है? भुट्टा खाओगे ना? भुट्टा भुट्टा लिया ना आपने? हाँ। बस बस विशाल ये खिलाएगा अपना स्पाइडरमैन आपको, टेंशन मत लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। भैया के लिए बना एकदम मस्त, अरे देखो विशाल है अपना, देख रहा कितना ऐसे ऐसे दोस्त होना चाहिए। सारा पैसा ब्लॉगर देगा। तू क्या दोस्त है, दोस्त के लिए 10-20 रुपया खर्चा नहीं कर सकता? 100 रुपया खर्च करेगा बोला है, 100 रुपया सुन लीजिए आप, 100 रुपए का हिसाब रखूंगा, और कल आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा कि 100 रुपए का कैसे हिसाब हुआ है, कल दिखाऊंगा मेरे 100 रुपये। और ये हम निकल पड़े अभी वापस रूम की तरफ। छोटू टाटा पकड़।
मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।